हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोगों की नीट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, नीट जस्ट आने वाला है। 3 महीने हैं हमारे पास और मई में हमारा नीट का एग्जाम है। तो बॉटनी स्टार्ट करने से पहले हम फटाफट समझ लेते हैं कि बॉटनी या फिर क्लास 11 की बायोलॉजी का सिलेबस क्या है। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर्स आप देख सकते हैं आपके बायोलॉजी के क्लास 11 के चैप्टर से बच्चों। ठीक है, बायोलॉजी के आपके क्लास 11 के चैप्टर्स हैं ये। अगली वीडियो में हम क्लास 12 का समझेंगे। ठीक है, तो देखिए चैप्टर कितना, जो हमारे चैप्टर्स हैं बायोलॉजी के, कितने सेक्शंस में बटे हुए हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो टोटल 5 सेक्शन में आपके बायोलॉजी के सेक्शन बटे हुए हैं, इंक्लूडिंग बॉटनी एंड जूलॉजी। क्लियर। चलिए, फर्स्ट है हमारा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें से जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड प्लांट किंगडम, ये आपके बॉटनी का पार्ट है। देन सेकंड अगर आप आएंगे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसमें से मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ये भी बच्चों आपके बॉटनी का पार्ट है। फिलहाल मैं अभी आपको बॉटनी का सिलेबस बता रही हूँ। नेक्स्ट है आपका सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ, एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये भी आपके बॉटनी का ही पार्ट है। नेक्स्ट प्लांट फिजियोलॉजी के हैं टोटल 5 चैप्टर्स, ये भी आपके बॉटनी के पार्ट है। अब बच्चे जो आपके चैप्टर्स हैं वो है आपके जूलॉजी सेक्शन का पार्ट। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा हम देख लेंगे कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है हमारा डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो आप देख सकते हो जो एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं डाइवर्सिटी चैप्टर से, पूरे 4 चैप्टर से, वो है टोटल 12, और कितने परसेंटेज होते हैं, 13% वेटेज कवर करते हैं। ठीक है, तो आपको ज्यादा मेन फोकस करना है बॉटनी में डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड क्लास 11 की बुक से। बच्चों लिविंग वर्ल्ड से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आपको 1 या 2 क्वेश्चंस ही देखने को मिलेंगे, और वो भी बहुत सिंपल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे इस साल की अगर आपने नीट के पेपर देखा होगा तो लिविंग वर्ल्ड से एक बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था टेबल के थ्रू। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि एनसीईआरटी में जो भी टेबल्स होते हैं, जो भी डायग्राम्स होते हैं, वहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो हम टेबल्स भी देखेंगे, हम सारे डायग्राम्स भी कवर करेंगे एनसीईआरटी के। नेक्स्ट है प्लांट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है आपका, तो आपको उसको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है अच्छे से। ठीक है, बायोलॉजी आपका बहुत अच्छा वेटेज कवर करता है नीट में, तो अगर आप बायोलॉजी को बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे तो आपका बायोलॉजी के थ्रू भी बहुत अच्छा मार्क्स बन जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लांट किंगडम से बच्चों अक्सर ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस ही होते हैं, बट थोड़े से ट्रिकी होते हैं, किस लाइन से आ जाते हैं बच्चे समझ नहीं पाते। बट मैं मेक श्योर करूंगी आपको प्लांट किंगडम बहुत अच्छे से याद करवा दूँ, सारी चीजें आपको क्लियर करवा दूंगी। चलो, एनिमल किंगडम आपके जूलॉजी सेक्शन का पार्ट है, वो भी इंपॉर्टेंट है। 2 या 3 क्वेश्चंस आपको एनिमल किंगडम से देखने को मिलेंगे। चलिए, ये हो गया हमारा फर्स्ट, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। सेकंड है हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब अगर हम इसकी बात करेंगे तो इस सेक्शन से बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, क्लास 11 की जो बुक है वहां पे जो ये वाला पार्ट है, प्लांट लेयर, प्लांट मॉर्फोलॉजी, फ्लावरिंग प्लांट्स, प्लांट किंगडम, यहाँ से आपको बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बच्चे समझ नहीं पाते कि क्वेश्चंस कहाँ से आता है, और वो ऐसा बोल देते हैं कि एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन था, बट नहीं, वो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के ही होते हैं। तो अगर मैं आपको बता दूँ मॉर्फोलॉजी चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, मॉर्फोलॉजी चैप्टर में आपको एग्जाम्पल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आपने एग्जाम्पल्स अच्छे से कर लिया है मॉर्फोलॉजी चैप्टर में, तो आपके मॉर्फोलॉजी के क्वेश्चंस ईजिली बन जाएंगे। क्लियर, तो आपको क्या करना है, मॉर्फोलॉजी के हर एक जो हेडिंग है, हर एक जो टॉपिक है, उसके एग्जाम्पल्स आपको एक्स्ट्रा पढ़ने हैं। जो एनसीईआरटी में 2 या 3 एग्जाम्पल्स दिए होंगे, उसके साथ आप थोड़ी सी मेहनत करके और एग्जाम्पल्स निकालिए, क्योंकि नीट कभी कभी क्या करता है, ढेर सारे एग्जाम्पल्स दे देता है, और उसमें आप सोचते हो कि एनसीईआरटी में तो 3 एग्जाम्पल्स थे तो बाकी तो होंगे ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो एग्जाम्पल्स भी मैं आपको ढेर सारे बता दूंगी आपके नीट के एग्जाम्स के पहले, क्या क्या क्वेश्चंस किस चैप्टर से बन सकते हैं, हम वो सारी बातें डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, इजी चैप्टर है। ठीक है, 2 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो टफ चैप्टर नहीं है, आप
कर लेंगे, ठीक है? आपको बस एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है, एनसीईआरटी रिवीजन करनी है बार बार बच्चों, एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। किस लाइन से आ जाएगा आप समझ ही नहीं पाएंगे, ठीक है? एनसीईआरटी की एक लाइन है, आपको नहीं, आपने ध्यान ही नहीं दी, और उसी लाइन से उठा के क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है? और बहुत बार ऐसा होता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो स्टेटमेंट आपको एनसीईआरटी की हर एक लाइन, बार बार इसलिए बोल रही हूँ, एनसीईआरटी की लाइन आपको याद करनी है, तो आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलो ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा सेल वाला पार्ट। तो सेल वाले पार्ट में, एक मिनट है बच्चों, चलो सेल वाले पार्ट में आता है हमारा सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन एंड बायोमोलिक्यूल्स। अच्छा, बायोमोलिक्यूल्स वैसे जूलॉजी का पार्ट है, बट नेक्स्ट वीडियो में, जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी बच्चों क्लास 12 के ऊपर, तो उसमें मैं बताऊंगी बायोमोलिक्यूल्स से 4 से 5 साल से कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और इस बार भी आई होप वहीं से क्वेश्चंस आए और आपके 8 से 10 मार्क्स तो ईजिली बन जाएंगे बायोमोलिक्यूल से। ओके, फर्स्ट है इसमें सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो इससे 3 या 4 क्वेश्चंस आते हैं। सेल हम क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, तो ईजी चैप्टर है काफ़ी, और आप बहुत ईजिली इसको कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या हुआ सर? ओके, नेक्स्ट है हमारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ठीक है? सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन भी आपका अच्छा खासा वेटेज ले लेगा, 2 से 3 क्वेश्चंस इसमें भी आ जाते हैं, और वो भी सिंपल चैप्टर है, हम पढ़ेंगे, प्रोसेस पढ़ लेंगे, आप क्वेश्चंस वहां से सॉल्व कर लेंगे। बच्चों प्लांट फिजियोलॉजी में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये भी 7 क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है? तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।